और मुंह कैसा है इसका? Robert. Robert, what's wrong with you? Robert, answer me. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ द डार्क ऑक्यूटलस। ये एक नया गेम मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही इसका सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं। अभी ये मेरे ख्याल से बनेंगे चार या पांच गेम बनेंगे। इससे पहले मैंने इविल डेड के ऊपर गेम खेला है और हॉरर गेम में मैंने खेला है डिमोनोलॉजिस्ट, जो कि एक बेहतरीन ग्राफिक और बेहतरीन गेम है। ये भी बोलते हैं कि अनरियल, मतलब कि इसका भी बहुत ही बढ़िया सॉरी ग्राफिक है और ज़बरदस्त गेम है, ऐसे सुना है मैंने। और ये गेम मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देखी थी इसकी, तो भाई इसके ऊपर तो बहुत ख़तरनाक भूत भूत बात आते हैं, कंजूरिंग हाउस टाइप का है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस गेम का छोटा से छोटा बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली है क्या क्या नहीं है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि एक बंदा अपने एक कहीं घर में फंस जाता है, और फंसने के बाद में उसे उस घर से बाहर निकलना है, कंजूरिंग हाउस टाइप का होता है। और वहाँ से उसको कैसे निकलता है बाहर, क्या निकलता है और क्या क्या भूत आते हैं और क्या नहीं आते हैं, वो सब कुछ आएगा इसके अंदर। और थोड़ा और थोड़ा बहुत आपको मैं बताने के लिए एक चीज़ एक छोटी सी क्लिप सुनाता हूँ, वीडियो क्लिप और सॉरी ऑडियो क्लिप, आप देखिएगा उसको। द डार्क ऑक्ले एक मनोवैज्ञानिक संचालित हॉरर गेम है जो खिलाड़ियों को लगातार चिंता की स्थिति में रखता है, जो कच्चे आतंक और आतंक में बढ़ जाता है। खेल राक्षसी संस्थाओं और जादू टोने के मजबूत संबंधों के साथ एक हस्ताहाल मनो में होता है। आपका सामना विचित्र जीवों से होगा जो किसी भी क्षण आपकी जान ले लेंगे। तो देखा, ये थी छोटी सी क्लिप, और यानी कि इस गेम में हमको यही सब कुछ चीजें आएंगी। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट पे दबा दिया है और डुम 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 हो रही है भाई। और बाकी गाइस, चैनल पे आप नए हो तो जाके अभी सब्सक्राइब करिए। कौवा आ गया शुरू में ही भाई, डराने के लिए। भाई साहब एक साइड आवाज है, इधर जा रही है। सॉरी, ये मतलब कि अभी जो कंजरिंग हाउस है उस घर के बारे में बता रहे हैं। कंजरिंग के बारे में आपको पता ही होगा, मूवीज के बारे में। 3 साल पहले के बाद दिखा रहे कि गांव में एक ये घर है, कुछ दोस्त गए थे वहाँ पर। ये है वो घर है। That paranormal phenomena are the cause of several disappearances and murders committed in the house of Atkinson. Atkinson Mansion नाम से है। Team of mediums and parapsychologists gathered to study the paranormal phenomena. कुछ मतलब कि paranormal activity वाले जो scientists होते हैं, जो भी होते हैं, वो बंदे भी वहाँ पे गए हैं, उन लोगों ने किया है। And the other strange disappearances. Reminding that this place was a massive. अरे एक छोटी सी कहानी चल रही है कि भाई वाकई में हम जिस घर में घुसेंगे उसमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। रिचल उचल हो रहा है, भूत है, और कुछ लोगों ने बारे में इसके बारे में बोलते हैं, घर के बारे में, कि ये बहुत ही डरावना घर है और इसके बहुत सारी कहानियां इस घर के ऊपर। करीब 100 सालों से, 100 साल पहले से ही मतलब कहानियां चल रही है घर के ऊपर। अब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, मतलब जो बोल रही है इंग्लिश में ही है, मैं थोड़ा बहुत आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश को, और वहाँ का जो सामान है अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। लोग उससे बोलते हैं उस घर को कि उस वो घर पूरा पूरा शापित है डीमन से, शैतानों से और भूतों से। ये आ गया हमारा गेम का नाम, द डार्क ऑक्यूलेट ऑक्यूलेट। यहाँ अब गेम स्टार्ट हो रहा है। मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ इस गेम को। अभी तक आज फर्स्ट वीडियो है, इस गेम की पहला ही पार्ट है। ये आ गया हमारी होम स्क्रीन। अब तो न्यू गेम में चलेंगे हम। अप्लाई,
भाई साहब ये क्या आ गया, लोडिंग है क्या? डेड मोड और टेरर मोड, अब कौन सा मोड खेले भाई? डेड मोड ही चलते है। वो खड़ा हो गया भाई भूत। डेमन डज नॉट ईट। आवाज आ रही है भाई साहब शुरू में ही। भाग रहा है कोई, फंसा है वो भाई साहब, खींच के ले गया उसको भाई। भाई ग्राफिक तो अच्छा आ रहा है गेम का। वो अंदर खा गया भाई भूत सबको। ये कुछ गए थे यहाँ पे देखने के लिए। अपना बंदा भी भाग रहा है कहीं भाई। घर के अंदर रहे भाई, ये बाहर नहीं है। ओ भाई साहब ये क्या है? कुछ जादू टोना करने वाला लग रहा है। कौवे का वो मास्क पहन रखा है उन लोगों ने भाई। अपना बंदा तो खतरनाक डरा हुआ है एकदम, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। ओ भाई कुर्सी फेंक के मारी यार। अरे यार वो क्या रहा है, गेम को स्टार्ट होगा। ओ भाई ये कौन आया? ये बॉस है क्या गेम की? चुड़ैल टाइप की लग रही है, पूरी क्लियर दिख नहीं रही है। नजदीक आई, बैग में से कुछ निकाला उसने, ताबीज जैसा, भाग गई। भाई साहब खड़ा हो। सांस से फूल गया, बाहर दिन का मौसम है। हाथ खून का लग गया, क्या लगे? और भाई चोट लगी है इसको, चोट लगी है। पीछे आ गया फिर से क्या? हाँ आवाज़ें आ रही, घर के अंदर फंसा हुआ है ये। अभी से शायद घर से बाहर निकलना होगा। भाई एकदम रियल ग्राफिक लग रही है, ग्राफिक अच्छी है। गेम स्टार्ट हो गया है। ओ भाई ये कमरे में आ गया कहीं पर। सीधे दरवाजा आ गया। Find the way to get out from the house. घर से बाहर निकलना है। ये बहुत धीरे चल रहा है यार, ये कैसे भागेगा? नहीं खुला ऐसे इधर। डोर इज स्टक, चाबी चाहिए इसको कोई। दरवाजा तो बंद है, ये क्या है? हाँ यहीं से घुसेगा भाई। सी, अच्छा सी से क्रंच करेगा। अंधेरा है, मुझे तो दिख रहा है ठीक ठाक, लेकिन आपके लिए मैं ब्राइटनेस कर दूंगा। जाले उले लगे हुए एकदम, और चूहे मकड़ी उकड़ी घूम रही है। भाई साहब चूहे का ग्राफिक अच्छा नहीं है। हाँ रास्ता तो यहीं पे दिखा रहा है, लेकिन जाना अच्छा। नीचे कुछ बज रहा है, ट्यून वगैरह। कुछ खिलौना है कोई,
खिलौना वाला जानवर भाई, जानवर जानवर तो नहीं, कोई गैजेट है कोई, उड़ के नीचे गिर गया। भाई तो सीधे मुंह पे चढ़ गई। यूज अ हैक्सो और किक ऑफ ए डॉल, प्रेस इंटरेस्ट बटन एज क्विट। ठीक है, ए फ्यू और लेटर्स, कुछ घंटे बाद। अभी तक गेम मतलब स्टार्ट तो हो चुका है और हम घर के अंदर है, पर मेन डोर पे नहीं पहुंचे रखता अभी हम। अब वो भूतनी आ गई थी, क्या क्या उसने चुड़ैल ने हमारे साथ। अब ये जैसे दरवाज़ा खुला है घर का, कमरे का, घर का, जो भी है, चल रहे हैं। हेलो भाई साहब, इज एनीबॉडी देयर? भाई बंद, चलो बंद चलो, बहुत डर हो रहा है बीच में गेम। हाँ स्टार्ट हो गया, लॉक, फाइंड द एक्सपेंशन मेंबर। मेबी देयर इज अ की अराउंड, द की सीम लुक, क्या बोला, द डोर इज लॉक्ड विद द की। फाइंड द स्कॉर्पियन की, स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो। नहीं खुल रहा मैप, मैप मिला है, ठीक है। यहाँ से तो आए थे अपन, इस रास्ते में चलते हैं। खुला खुला खुला, भाई साहब बिजली कड़क रही है तो दिन में ही। भाई बैकग्राउंड साउंड इसका जबरदस्त लग रहा है। ये भागता कैसे है स्पेस से? हैं, भाई खून गिरा पड़ा है नीचे, उसको देख के डर गया अपना बंदा। चाबी भी पड़ी है, What's that? दरवाजा बंद हो गया। फाइंड टीजर की, लॉक। वो कौन जा रहा है? Robert, is that you? उसका दोस्त है शायद, रॉबर्ट। वेट वेट, रुका तो नहीं भाई वो। ये क्या पड़ा है नीचे? कुछ पड़ा था ऐसा लगा मुझे नीचे यहाँ पे। इट सॉ दिस ए मिस्ट्रीज वुमन, ठीक है, दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द शी वाज देयर टू वॉच अस, ठीक है। प्लेस एज सून एज पॉसिबल, है समथिंग ट्रेवल विल हैपन, ठीक है। बोला जगह छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे हम इसी को तो ढूंढ। ओ भाई लॉक रखा हुआ है यहाँ तो। कैंसिल, बाथरूम, कुछ नहीं है बाथरूम में। I have a bad feeling. Strange things are happening in this house. Oh, nah. भाई दिन में, दिन का मौसम, रात का मौसम, समझ में नहीं आ रहा कुछ। भाई तब पेजी पेज किताबें पढ़ी यहाँ तो।
किताबों का क्या करना है? ओ क्या कर रहा भाई, डॉल बिठा रखी है। वो किताब 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 मिली कोई इसको? If you're reading this note, it's probably because we're all dead. बोला इन रीड जो नोट सब तुम पढ़ रहे हो surpassed anything I had imagined. इनको लिखने से पहले मैं मर चुका हूँ शायद। बोले यहाँ इस घर से निकलना नामुमकिन है। We tried by all means to eliminate the demon that हमने ट्राई करी थी। Nothing seems to stop it. लेकिन डीमोन्स की जो शैतानों की हरकतें नहीं रुकी। हमने यहाँ पर इन पांच चीजों को ढूंढा है जो सब छुपी रहती है जगह जगह पर, जाने की कोशिश करी। हाँ, चार को तुमको मिल गए थे लेकिन पांच का कुछ नहीं मिला। On the search and destruction of the four items we've specified. We'll have to separate to save time. I know it's a huge risk, but it's the only option we have. मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पांच का ढूंढने के बिना। मतलब सब मर चुके हैं। मरने से पहले एक किताब लिखी थी। Find the five. भाई साहब, अब पांच के पांच पार्ट्स ढूंढने हैं मुझे। ये क्या है? इसमें भी लॉक है। पहले तो की ढूंढनी पड़ेगी मुझे। ये बॉक्स अभी तो आया था, खोला था मैंने। चलो दूसरे घर चलते हैं, तो कुछ नहीं है इनमें। कुछ है खाली सेल, सेल नहीं उठा रहा। किससे उठाएगा? नहीं उठा रहा भाई, अभी सेल उठा रहा है। पहले इसमें याद रखूँगा मैं। ये खाली है। बाथरूम में कोई आया? कोई नहीं आया। गाइस वीडियो कैसी लग रही है आपको? मज़ा आ रहा है? कोई बैठा है क्या? तो लाइक ठोके अभी कभी। कुछ दिख रहा है भाई मुझे तो? कुर्सी है। वो चूहे निकल गए हैं। इतनी जल्दी नहीं डरने वाला भाई मैं, जैसे खतरनाक गेम खेले मैंने। इसने तो अभी तक मुझे एक बार भी नहीं डराया अभी तक। ओ भाई साहब अंधेरा है। रोशनी भाई यार, बहुत कंफ्यूजन वाला गेम लग रहा है मुझे। खुलेगा तो वापस वहीं जाएंगे हम। नोट ये नहीं पढ़ रहा बड़ा दबर। जो वर्कर्स थे यहाँ पे काम करने वाले सब ने घर छोड़ दिया। बट आई कैन ब्लेम दैट फॉर दैट, दिस हाउस इज ट्रू टू इट्स फेम। आई ट्राई टू लाई टू माई सेल्फ एंड इग्नोर द रियलिटी, बट इट मस्ट बी मेड क्लियर दैट दिस हाउस इज रियली हॉन्टेड। ठीक है भाई, याद रखूँगा मैं। बॉक्स मिला, रख तेरी। अब भाई गेम में घुसे हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम यहाँ से। नहीं खुल रहे दरवाजे इनके।
आवाज आ रही मुझे इस तरफ से। दरवाजा है क्या? भाई ये क्या है? भाई साहब क्या है वो बाल से दिख रहे हैं मुझे, देखते आगे जाके। बागेट नीचे पानी गिरा पड़ा बहुत सारा। दरवाजा तो बंद है, ये नीचे बैठने के बोल रहा है। चलो देखते हैं। इट्स टू डार्क हियर, आई नीड अ फ्लैशलाइट। फ्लैशलाइट चाहिए इसको। फाइंड अ फ्लैशलाइट। फ्लैश लाइट कहाँ मिलेगी अब? लाइट ढूंढनी है भाई। बंद है। ये भी बंद है। वो कोई खड़ा है वहां पे। भाई साहब क्या है ये? ओ तेरी। What is that? खोलेगा दरवाजा? नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। नहीं ऐसे बंद हो जाते ऑटोमेटिक ही। चाबी मिली। उठा, मैंने उठा क्यों नहीं रहा? वो भाई चाबी खींच ली किसी ने? हंसते हुए? अबे मजे ले रहे भाई। चलो नीचे बैठ के ले लेता हूँ। ओहो कोई बच्चा भाग के गया गाइस। बच्चा अभी गेम में कुछ मजा सा आया। एरिस की मिल गई। ओ भाई साहब वाज फाउंड। कहाँ गई छोटी? भाई साहब ये क्या है? कुछ नहीं है तो गाइस यहां मुझे एरिस की तो मिल गई है, और एरिस की को लेके चलना है मुझे वहां पर जहां पर वो एक रूम सा था ना। हम चलिए देखते हैं, बताता हूँ आपको मैं। मिलता है तो मुझे शायद यही वाला है। हाँ यही वाला है, इसके अंदर आना है हमको। इसको बंद करना है और यहाँ पे आके गेम को सेव करना है और अप्लाई। अगर गेम को हम सेव नहीं करेंगे और भूत आके मार देगा तो पूरा।
बहुत कंफ्यूजन है गेम में, बहुत कंफ्यूज। ये क्या खड़ा है भाई? रॉबर्ट, इज दैट यू? वेयर इज एवरीबॉडी? बाकी लोग कहाँ पूछ रहे हैं? वेट, वेयर आर यू गोइंग? वो तेरी क्या 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 था? कौवा, व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन हियर? खुल गया। ये क्या है? नंबर लिखा हुआ है, लॉक खोलने का है, लॉक बना हुआ है और 9, ठीक है। और ये ले ले भाई, उठा ले यार। अरे हाँ, मिल गई फ्लैश लाइट। Last light was found 9. Huh, there's a number written on the wall. 9 will end 9. Oh, the other numbers have been erased. दूसरे नंबर कहाँ पर है वो ढूंढने पड़ेंगे। एक बहुत गेम पजल वाला है यार, दिमाग खराब कर दिया। That's a padlock. Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. वही है जो दरवाजे पे लॉक था, वही था। वो लेक बनाए किसने? और क्यों? भाई तेरे बाहर निकलने के लिए बनाए और इसलिए बनाए। 9. Press left mouse button or A to save the number in the notebook. Press left mouse button or A. दबा तो रहा हूँ भाई। ओ हो गया हो गया हो गया भाई। ओ कौन है? रॉबर्ट। ओ रॉबर्ट चाचा, भाई मारना दे मेरे को। ये कर क्या रहा है? रॉबर्ट, रॉबर्ट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रॉबर्ट, आंसर मी। तेरी तो अभी कुछ मजा आया गेम में यार। गेट क्या लिखा है? गेट आउट फ्रॉम हियर। नहीं जा रहे हम तो, हम जाने के थोड़ी आए गेम के अंदर। गेट आउट फ्रॉम हियर। बैटरी डाउन है मेरी इसकी, सेल चाहिए मुझे। ये रहा, उठा। वॉइस से यूज करेगा ना? हैं, क्यों नहीं किया? ये क्या है? कुछ नहीं है। वो बैटरी डाउन हो गई। चल देखते हैं क्या होता है। वॉइस से बोल रहा था ना, नहीं कर रहा। भाई साहब अभी सीधे मुंह पर आएगी। और मुंह कैसा है इसका? आग देखी भाई उसकी। खड़ा हो भाई, खड़ा हो। शिफ्ट और भागो। ओ भागना है भाई। भाई मरे,
साहब जगह ही नहीं था कुछ यार। देखा मैं था मैप पता होना चाहिए। तो गाइस ऐसा करता हूँ, वीडियो बहुत हो गई लंबी, ये था पार्ट वन इसका, और पार्ट टू मैं भी बनाऊंगा, वो भी जल्दी आएगा, शायद एक दो दिन में आ जाएगा। लेकिन यार मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से, इस गेम को अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसको खेलना बहुत मुश्किल है भाई। इसमें इतना दिमाग घुमा दिया है मेरा, इतना दिमाग घुमा दिया है, बहुत ज़्यादा दिमाग घुमा दिया है, इसलिए इस गेम को मैं अभी फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। पहले इसको मैं अपने आप खुद खेलूँगा दो चार बार, फिर मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको वीडियो को खेल रहा था, लेकिन मेरे समझ से बाहर आई हुई, बहुत ज़्यादा इसमें पजल्स है और रास्ते दुनिया भर का अजीब अजीब बना रखे इसके अंदर। तो गाइस ऐसा करते हैं, आज तक के लिए वीडियो बहुत है ये, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।